अस्सलामुअलैकुम साइंसदानों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉबस्टर जिंदा क्यों उबाले जाते हैं। हर साल अमेरिका में कई लाख लॉबस्टर खाए जाते हैं। लॉबस्टर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन्हें दूसरे जानवरों की तरह काट कर पकाने के बजाय जिंदा उबाला जाता है। हत्ता के कुछ रेस्टोरेंट्स में इन्हें जिंदा सर्व भी किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? लॉबस्टर को जिंदा उबालने के पीछे एक खास वजह वाइब्रियो बैक्टीरिया है। जब लॉबस्टर मरता है तो कुछ घंटों के अंदर ये बैक्टीरिया लॉबस्टर पर हमला कर देता है। अगर ये बैक्टीरिया एक बार गोश्त के अंदर चला जाए तो इसे मारना बहुत मुश्किल है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बैक्टीरिया पेट में चला जाए। इससे पेट का दर्द, मतली, उल्टी, बहार और मौत भी हो सकती है। एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या लॉबस्टर दूसरे जानवरों की तरह दर्द महसूस कर सकते हैं? दूसरे जानवरों की तरह लॉबस्टर उबलते हुए पानी में चिल्ला नहीं सकते। ये भी ख्याल किया जाता है कि शायद लॉबस्टर दर्द भी महसूस नहीं कर सकते हैं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए लॉबस्टर को जिंदा उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके भी चांसेस हैं कि लॉबस्टर को दर्द महसूस होता हो। इसलिए न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड ने जिंदा लॉबस्टर उबालना गैर कानूनी कर दिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।